हेलो दोस्तों, मेवाड़ नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। NHM GNM CHO एंड RRB स्पेशल MCQ क्लास या MCQ सीरीज और आगे बढ़ती हुई अपने कदम और आगे बढ़ती हुई तरह का हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा। हो के ना मायूस यूं बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी तेरे को और मिलने का मज़ा भी आएगा। ऐसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम आज के इस क्लास को कैरी ऑन करते हैं। तो बिना किसी डिले, बिना किसी इंतज़ार के क्लास को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे MCQ। लास्ट सेशन का लास्ट MCQ था, उसी से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपन। ये MCQ अपन ने पढ़ लिया था, है ना, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इसके बाद में ये अपन ने पढ़ ही लिया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, पैनक्रियाटाइटिस वाला निमोनिया था इसका आंसर। इसके बाद में अपेंडिसाइटिस वाला भी अपन ने पढ़ ही लिया था, पेरिटोनाइटिस इसका वो था। ये अपन ने पढ़ ही लिया लेप्रोस्कोपिक, फिर ये पढ़ना बाकी था, है ना। तो मिस्टर विजय रिसीविंग हिपेरिन इसेंशियल फॉर नर्स डू फर्स्ट अब। नर्स क्या करेगी, मतलब हिपेरिन चल रहा है। अब देखो हिपेरिन के बारे में सवाल बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। एक एक सवाल मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता जाता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जावे हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन के ऊपर सवाल क्या बनता है कि हिपेरिन जो है ना, हिपेरिन, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार की एंटीकोगुलेंट ड्रग है। क्या है, एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ये क्या है, एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ठीक है। दूसरी बात इसकी निकल के आती है कि इसका जो एंटीडोट होता है ना, हिपेरिन का एंटीडोट, ठीक है। एंटीडोट क्या होता है, तो मैं आपको पूरी स्लाइड लेके ही बता देता हूँ हिपेरिन के बारे में पूरी कहानी। तो पूरी कहानी अपन को पढ़नी पड़ेगी हिपेरिन की। ये लिख देता हूँ मैं हिपेरिन का एंटीडोट। अगर आपको पूछे ना एंटीडोट अगर आपको हिपेरिन का पूछे तो आपको एक ही बताना है, क्या बताना है, प्रोटामिन सल्फेट। ये प्रोटामिन सल्फेट क्या है, इसका एंटीडोट है। एक आपको और पूछते हैं, और हिपेरिन जो है ना वो क्या है, एक प्रकार की आईवी एंटीकोगुलेंट है, आईवी एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट तो है लेकिन आईवी है। एक और पूछते हैं आपको वारफरिन के बारे में, ठीक है। ये वारफरिन क्या है, वारफरिन ओरल एंटीकोगुलेंट है, ओरल एंटीकोगुलेंट। वारफरिन क्या है, ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ठीक है। दूसरी बात इस वारफरिन के बारे में पूछेंगे आपको, एंटीडोट वारफरिन का क्या होता है, तो विटामिन के इसका क्या होता है, एंटीडोट होता है। ये भी आपको पूछा जाता है बार बार, एग्जामिनर बार बार इस सवाल को डालता रहता है। तो प्रोटामिन सल्फेट तो है आपका हिपेरिन का एंटीडोट, और वारफरिन का हुआ यहाँ पे कौन सा, विटामिन के। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं, और इनको बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों ही है, इसके एंटीडोट है ये आईवी एंटीकोगुलेंट है, और ये ओरल एंटीकोगुलेंट है, लिख लो इस चीज़ को। एक चीज़ और आती है इसी के अंतर्गत, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, एस्प्रिन में कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, ध्यान रखना। एस्प्रिन क्या है, एंटीप्लेटलेट ड्रग है, ठीक है, एंटीप्लेटलेट ड्रग है, ठीक है। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और इसका जो एंटीडोट है ना वो है एंटीडोट क्या है, सोडा बाई कार्बोनेट, ये इसका एंटीडोट है, किसका, एस्प्रिन ड्रग का। तो ये तीन ड्रग मैंने बताई आपको, और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी मैं बता देता हूँ कि हिपेरिन का अपन क्या देखते हैं, हिपेरिन के लिए अपन क्या देखते हैं यहाँ पे, और एक वारफरिन
वारफरिन के लिए अपन क्या देखते हैं, PTINR और APTT का लेवल अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो APTT तो यहाँ पे देखते हैं अपन, APTT का लेवल कहाँ पे देखते हैं, हिपेरिन में, और PTINR का लेवल कहाँ देखते हैं अपन, यहाँ पे वारफरिन के साथ में PTINR अपन चेक करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोमोप्लास्टिन टाइम, ये APTT है, ये APTT अपन हिपेरिन के साथ में और वारफरिन के साथ में PTINR का लेवल अपन चेक करते हैं। तो ये थे आपके सभी के सामने हिपेरिन और वारफरिन की कहानी। और ये एक बात का याद रखना कि कभी भी दो एंटीकोगुलेंट या एंटीकोगुलेंट के साथ में एंटीप्लेटलेट नहीं चलती है, ध्यान रखना। हिपेरिन के साथ में अपन वारफरिन नहीं दे सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ ये है कि हिपेरिन जो है ना वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। हिपेरिन की मैं कुछ कहानी बता देता हूँ आपको। ये हिपेरिन है, ये हिपेरिन क्या है, एक प्रकार का नेचुरल एंटी कोगुलेंट है, ठीक है। और OBG/BBG में दे सकते हैं, OBG/BBG मतलब प्रेगनेंसी में इंडिकेटेड है, मतलब ये प्रेगनेंसी में अपन दे सकते हैं सेफ। और ये प्रेगनेंसी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटा इन दोनों बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, इसलिए अपन इसको दे सकते हैं OBG/BBG और इनमें, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, ये आता है ना, ये भी इंजेक्टेबल ही होता है, ठीक है, लेकिन ये आएगा आपके SC रूट से, यानी सबक्यूटेनियस रूट से आप इसको दे सकते हो, जिसको अपन लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन कौन सा होता है, एनोक्सापरिन बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं, एनोक्सापेरिन, और 0.6 mg का आता है, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, तो मिस्टर विजय के बारे में पूछा है, पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने कि ऑब्जर्व हिम साइन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लिमिट हिज इनटेक फूड हाई इन विटामिन के, लिमिट करना है इनटेक को, फूड के इनटेक को कम करना है और विटामिन के को बढ़ाना है, और मॉनिटर हिज प्रोटामिन टाइम और चेक फिमोरल पंक्चर साइड फ्रिक्वेंट इंटरवल। अब देखो, विटामिन के आपका सभी का अटेंशन जा रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हिपेरिन जो है ना, हिपेरिन का एंटीडोट विटामिन के नहीं होता है, इसका एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट, ठीक है। तो यह ऑप्शन तो हो गया रिजेक्ट। ऑब्जर्व हिम फॉर साइन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, देखो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का साइन अपन देखे हैं वो किस में देखते हैं, DVT वाली प्रॉब्लम में, DVT यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाली प्रॉब्लम में, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो मैंने काट दिए। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, हिपेरिन के साथ में अपन कौन सा यहाँ पे टाइम मैंने मतलब मॉनिटर करते हैं, प्यारे दोस्तों मैंने जो बात बताई वही चीज़ आ रही है कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे अपन हिपेरिन के साथ में अपन APTT का यहाँ पे लेवल देखते हैं, अभी बताया था आपको APTT का यहाँ पे लेवल देखते हैं, और यहाँ पे लिखा है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो PT का लेवल तो अपन देखते हैं वारफरिन में, किस में देखते हैं प्यारे दोस्तों, वारफरिन में, तो ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन जो लिखा है ना, डी वाला ऑप्शन, अब ये डी वाले ऑप्शन को आप देखना इसमें क्या लिखा हुआ है, कि चेक फिमोरल पंक्चर साइट एट फ्रिक्वेंट इंटरवल पर अपन को यहाँ पे कौन सी फिमोरल जो है पल्स वो चेक करनी पड़ेगी, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्यों, क्योंकि आपने हिपेरिन दिया है, और हिपेरिन क्या करता है, ब्लड को पतला करता है, और ब्लड को पतला करेगा वो मतलब एज है एंटीकोगुलेंट ये काम करता है, ठीक है, ब्लड को पतला करेगा, तो वहाँ पे पंक्चर साइड से अब रिस्क क्या रहता है हिपेरिन वाले पेशेंट को, ब्लीडिंग का रिस्क रहता है प्यारे दोस्तों, किसका रिस्क रहता है, ब्लीडिंग का, तो इसको अपन को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, और ब्लीडिंग को कब प्रिवेंट करेंगे, जब इसका एंटीडोट देंगे, और एंटीडोट क्या है इसका, तो एंटीडोट मैंने अभी आपको बताया था प्रोटामाइन सल्फेट। अगर मान लो हिपेरिन की टॉक्सिसिटी होती है तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम है मेरा हिपेरिन को बंद कर देना, ठीक है, पहला काम क्या है, हिपेरिन को बंद कर देना,
लेकिन उससे भी पहला काम है कि यहाँ पे अगर हिपेरिन की टॉक्सिसिटी हो रही है, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मान लो ओवरडोज दे दिया आपने, ठीक है मान लो अगर दे दिया, तो आपका फर्स्ट एक्शन तो ये होगा कि आप फेमोरल पल्स को और इनको चेक करोगे, ठीक है, और पंक्चर साइड को चेक करोगे। फेमोरल जो पंक्चर साइड है ना, उसको सबसे पहले चेक करना, जहाँ जहाँ पर भी पंक्चर साइड है उसको पहले चेक करना क्या हो रहा है वहाँ पर। अगर मान लो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब हिपेरिन यहाँ पे काम कर गया है और उसकी टॉक्सिसिटी हो चुकी है और उसको अपन को रिजोल्व करना है प्यारे दोस्तों, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रोटोमाइन सल्फेट देना पड़ेगा। आई बात समझ में प्यारे दोस्तों, इतनी सी। नेक्स्ट एमसीक्यू में मैं बढ़ूँ, उससे पहले आपको ये चीज़ें लिखनी है अपनी नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट, हर एक चीज़ को लिखते जाना अच्छे से। एक एमसीक्यू अपन को अपन क्या करेंगे, छोल के रख देंगे, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। विच कंडीशन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के टाइम, इंस्पिरेशन मतलब जब आप सांस ले रहे हो उस समय, तो विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन रेस्पॉन्सिबल होती है इंस्पिरेशन के टाइम, तो डायलिटेशन ऑफ द इंट्राकोस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इंट्राकोस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंट्राकोस्टल मसल। एक बात याद रखना कि जब भी कोई पेशेंट है, वो उसका जो डायफ्राम है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो साथ में इंटरकोस्टल मसल्स भी साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट होगी, और डायफ्राम अगर रिलैक्स होगा तो वो भी डायलेट होगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये दोनों साथ में चलते हैं, किसके, यहाँ पे डायफ्राम के और मसल्स के। अब बात ये आती है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, तो ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंस्पिरेशन और दूसरी बात लिखता हूँ एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन में दोनों ही क्या होंगे, रिलैक्स, दोनों ही क्या होंगे, रिलैक्स, और इंस्पिरेशन में क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही कौन है, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कौन सी, इंट्राकोस्टल। तो राइट आंसर डी चला जाएगा इजीली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंस्पिरेशन पूछा, एक्सपिरेशन पूछते तो डायलिटेशन को अपन प्रायोरिटी दे सकते थे, तब आपका आंसर ए भी जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने, कि विच अमोंग द फॉलोइंग डाटा विल गिव मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ESRD क्लाइंट फ्लूड स्टेटस, ठीक है, पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से आपको वो डाटा बताना है, एक्यूरेट डाटा बताना है ESRD के रिगार्डिंग, और वो भी फ्लूड स्टेटस को देखने के लिए, ठीक है। तो फ्लूड ESRD का मतलब क्या होता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़, एंड स्टेज रीनल डिजीज़। अब ये एंड स्टेज रीनल डिजीज़ क्या होती है पर दोस्तों, का इसके अंदर 30 ml पर हावर से भी कम हो जाता है, क्या कम हो जाता है, ये यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से भी कम हो जाता है। और अगर 24 घंटे का अपन यहाँ पे अगर एवोल्यूशन करेंगे, तो इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो है ना वो 400 ml से भी कम हो रहा है, 400 ml पर डे बोल सकते हो, इससे भी कम हो रहा है यूरिन आउटपुट, ठीक है। और ये जो कंडीशन क्या कहलाती है, 400 ml से कम होना क्या कंडीशन क्या कहलाती है, ओलिगोयूरिया। और कई बार तो पेशेंट में देखा गया है कि एंड स्टेज रेनल फेलियर का जो पेशेंट होता है उसके अंदर एन यूरिया भी होता है। एन यूरिया की प्रॉब्लम को अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि यूरिन आउटपुट जो है वो 100 ml पर डे। अब देखो एक दिन का 100 ग्राम से भी 100 ml से भी कम आ रहा है, 100 ml से भी कम आ रहा है, तो उसको अपन बोल सकते हैं एन यूरिया। ये कंडीशन भी आपके डेवलप हो सकती है, ओलिगो यूरिया हो सकता है, ठीक है, यूरिन आउटपुट कम हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर पेशेंट का अपन अगर ESRD का पेशेंट है, अपन को फ्लूड स्टेटस चेक करना है, क्या देखेंगे, यूरिन आउटपुट। अब ऑप्शन में देखो कहीं यूरिन आउटपुट है कि नहीं है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, पहला लिखा है डेली वेट चेकिंग फॉर द क्लाइंट। अब देखो वेट चेक करेंगे, लेकिन वेट चेक करने से कुछ नहीं होगा, ESRD है इसको, और इसका यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे एक्यूरेट पूछा है, और एक्यूरेट कब होगा, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट बिल्कुल मेंटेन ही करना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। बी यहाँ पे करेक्ट है, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ, ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज नाउन एज,
धीरे धीरे रेस्पिरेशन की रेट और डेप्थ दोनों ही बढ़ रही है। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देखो कैसे बढ़ रही है यह, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये लाइक डेट, ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये रेस्पिरेशन की रेट बढ़ रही है ग्रेजुअल, डेप्थ भी बढ़ रही है उसकी, रेट भी बढ़ रही है, रेट भी यहाँ पर धीरे जल्दी जल्दी आ रही है और ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, हाइपर वेंटिलेशन, फिर लिखा है हाइपो वेंटिलेशन, फिर लिखा है कस्मोल्स ब्रीथिंग और चैन स्ट्रोक। अब देखो ये चैन स्ट्रोक नहीं होगा, कोई चैन नहीं बन रही, इसमें यूँ नहीं पूछाएगा रेगुलर इंटरवल पर ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ, रेगुलर इंटरवल होता ना तब आपका चैन स्ट्रोक जाता, हाइपोवेंटिलेशन नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है रेट और सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, हाइपोवेंटिलेशन नहीं जाएगा और हाइपर भी नहीं जा सकता है। हाइपर क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि हाइपरवेंटिलेशन में तो ऐसा होता है कि ये इस प्रकार से आती है रेस्पिरेशन रेट, लेकिन ये भी नहीं है, यहाँ पे होगा स्मॉल्स ब्रीथिंग, क्योंकि डेफिनेशन उसी की है, रेट और डेप्थ में क्या होता है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है धीरे धीरे। ठीक है, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि आप आई ड्रॉप डालते हो ना, तो आई ड्रॉप के और आई के बीच का डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, ये डिस्टेंस पूछा है, ये होता है आपके 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब ये देखो आप इस ऑप्शन में कहीं 2.5 सेंटीमीटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आसपास की रेंज को आपको पता लगाना है, आसपास की रेंज ही आपको ढूंढनी है। ठीक है, तो 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 6 सेंटीमीटर और 6 से 8, ये दोनों तो नहीं होंगे, इतना तो मुझे मालूम है। अब बची बात ये, अब देखो पास में कौन सी रेंज है, सबसे पास में रेंज आएगी 1 से 2। ठीक है, 3 से 4 तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इससे तो और कंडीशन ख़राब भी हो सकती है, तो ए राइट है, तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट ये क्या है, ये दोनों ही नाम बताना आपको, तो ये तो है स्टेपल, ठीक है, स्टेपल सुचुरिंग मशीन। ठीक है, ये आप स्टेपल करते हो यहाँ पे, ठीक है, स्टेपल करने की मशीन है, और ये यहाँ पे अपन सर्जरी करते हैं ना, तब यहाँ पे अपेंडिसाइटिस हुआ, हर्निया हुआ, तो इन सर्जरी के अंदर इससे स्टेपल किया जाता है सुचर्स को। देखो ये इस प्रकार से गाँव है, इसको इस प्रकार से पिनअप किया जाता है। ठीक है, और इस पिनअप को निकालने के लिए ये स्टेपल रिमूवल मशीन भी आती है। ठीक है, ये इस प्रकार से दोनों मशीनें हैं, देख सकते हो आप, ये तो है स्किन स्टेपलर और ये एक स्किन स्टेपलर रिमूवल है। ठीक है, नेक्स्ट, इन एबीजी एनालिसिस विच पैरामीटर आर असेस्ड, एबीजी एनालिसिस में कौन कौन से पैरामीटर असेस किए जाते हैं, तो आपको मैंने क्या क्या चीज़ बताई, सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल करते हैं, पीएच भी करते हैं। ठीक है, मतलब ये तो राइट है, देखो बी को देखो, कहीं और ज़्यादा मिल जाए इसमें पैरामीटर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट करते हैं, पीएच भी करते हैं, इसमें भी दोनों ही ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी है, तो ये तीनों ही करते हैं। ठीक है, तीनों चारों जो पैरामीटर है वो भी करते हैं। चलो आगे बढ़ो, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो इसको काट दो, और इसको तो वैसे ही कट जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पीएच है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, तो इसको भी काट दो, तो बच्चा एक ही ऑप्शन है आप सभी के सामने, और वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन यहाँ पर बी है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द इंसिजन साइट ऑफ ट्रेकेस्टोमी आर, ट्रेकेस्टोमी की इंसिजन साइट पूछी है। देखो ये है आपका सपोज लंग्स, ठीक है, और लंग्स के ऊपर से आपको मैं बना देता हूँ यहाँ पे रिब केज, ये आपका रिब केज 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और ये 9 नंबर और ये 10 नंबर। ठीक है, ये रिब केज है पूरा का पूरा। अब आपके क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, देखो ये एक रिब्स है, ये दूसरी रिब्स है, ये तीसरी रिब्स है, चौथी रिब्स है,
ये पांचवी रिप्स है, छठी रिप्स है, सातवीं रिप्स है, आठवीं, नौवीं, दसवीं और 11-12 फ्लोटिंग होती है, ठीक है। और अंदर की तरफ लंग्स है। अब आपके क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब आपको इंसिजन की साइड बतानी है। तो देखो इसके अंदर क्या है, अब ये तो हुआ लंग्स। अब देखो ऊपर की चीज़ बताता हूँ मैं, ये आपका ट्रेकिया, ठीक है, और ये ट्रेकिया और ये लंग्स की यहाँ पे एक पहली है रिप्स, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। तो यहाँ पे जो एंटर करेगा ना ये यहाँ से, तो ये यहाँ से एंटर करेगा ये, ठीक है, यहाँ से एंटर करेगा दोनों तरफ लंग्स में। अब देखो यहाँ पे होती है ट्रेकियल रिंग अलग अलग, ठीक है। तो ये पहली रिंग, यहाँ पर रिंग को भी अच्छा बनाना पड़ेगा, डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, बस डार्क में ही बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। पहली रिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, इस प्रकार से 16-20 रिंग होती है ट्रेकियल रिंग। तो ट्रेकियोस्टोमी जो ओपन करेंगे ना, ट्रेकियोस्टोमी, ठीक है, वो कहाँ करेंगे? तो वो यहाँ पे पहले तो पहली बात तो ये आती है कि अपन कहाँ कर सकते हैं, 2 और 3 नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है, और ये 2 और 3 नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो 3 और 4 पे कर सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बताओ, 1 या 2, 2 या 3 या 2 या 3, ठीक है। तो 3 और 4 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, वो किसी कंडीशन में करते हैं, बाकी 2 और 3 जो है यहाँ पे ट्रेकियल रिंग स्पेशल है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन अर्लियर सिम्टम ऑफ लेरिंजियल कैंसर, लेरिंजियल कैंसर का अर्लीस्ट सिम्टम बताना है आपको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डिस्पेजिया, हॉर्सनेस, वॉइस, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स में तो हवा भर जाती है आपके फेफड़ों में, ठीक है, ये नहीं होगा। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये लेरिंजियल कैंसर में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन और अर्लियर सिम्टम नहीं है, ठीक है। और डिस्पेजिया, खाने में दिक्कत होगी लेकिन अर्लियर नहीं होगी। अर्लियर जो दिक्कत है ना, लेरिंजियल पूछा है, लेरिंजियल, और लेरिंग्स का काम क्या होता है, वॉइस प्रोडक्शन करना, वॉइस, तो वॉइस फॉर्मेशन, हॉर्सनेस वॉइस हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी, हॉर्सनेस वॉइस, बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके इस प्रकार से रहने वाला है कि द नर्स रिसीव ए क्लाइंट फॉर, एक नर्स है वो रिसीव कर रही है, रिसीव किया उसने क्लाइंट को, उसको क्या है, कार्डिया कैथेटराइजेशन लगा हुआ है, तो कौन सा यहाँ पर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा कार्डिया कैथेटराइजेशन वाले पेशेंट में? पेन कोशिश करेगी, एडमिनिस्टर ऑर्डर मेडिकेशन, चेक डिस्टल साइड पल्स और चेक LOC। ये कल भी आया था सर, कल या परसों MCQ, ये सेम टू सेम आया था, थोड़ा ऑप्शन चेंज थे। तो कार्डिया कैथेटराइजेशन लगा हुआ है तो वहाँ से डिस्टल साइड की पल्स को आपको चेक करना पड़ेगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीनेक्टोमी का मतलब स्प्लीन को रिमूव करना, स्प्लीन जो होता है ना उसको रिमूव करना, तो स्प्लीन को रिमूव कर रहे हो तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो स्प्लीन के पास में कौन सा ऑर्गन है वो अफेक्ट हो सकता है, या उसको इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो क्या पास में गॉल ब्लैडर है, तो नहीं है तो कोलेसिस्टाइटिस नहीं होगा। क्या पास में आपका स्टोमक है, बिल्कुल है, तो इसका हो सकता है, लेकिन स्टोमक की लेयर बोर्ड खतरनाक है, ठीक है, तो इसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इसका डायरेक्टली कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस, तो कहाँ अपेंडिसाइटिस होगा, तो पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, मतलब पैनक्रियाज का इसका कनेक्शन है एक दूसरे से, ठीक है, आसपास ही है, तो दोनों का हो सकता है, बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये सी आर्म मशीन है और ये आप ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आप देखते हो, सर्जरी ऑपरेशन करते हैं ना उसमें, डायरेक्टली यहाँ पर लाइव व्यू लिया जाता है, लाइव यहाँ से रेज पड़ती है और यहाँ पर फोटो बनती है और फिर ये इस प्रकार से दिखाता है मॉनिटर में, ठीक है। नेक्स्ट, प्री ऑपरेटिव OT फॉर अपेंडेक्टोमी नॉट इंक्लूड, अपेंडेक्टोमी के टाइम कौन सी चीज़ प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, मतलब चीज़ में नहीं आती है, प्री ऑपरेटिव में नहीं आता है, कंसेंट तो लेना पड़ता है, रिमूवल ज्वेलरी करनी पड़ती है, स्किन का प्रिपरेशन भी करना पड़ता है, लेकिन आप एनिमा नहीं दे सकते हो, याद रखना, अपेंडेक्टोमी करनी है तो एनिमा नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि एनिमा दिया नहीं, इसके जलन, मतलब अपेंडिक्स फट सकती है, रप्चर हो सकती है, ठीक है, इसलिए एनिमा अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस प्रोसीजर,
तो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या देते हैं इस पेशेंट में? तो यहाँ पे ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस पूछा है, आपने पढ़ा भी होगा कि हीमोडायलिसिस के दौरान आप किसका यूज करते हो? हीमोडायलिसिस के दौरान एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस के दौरान आप हेपरिन का यूज़ करते हो ताकि वो ब्लड क्लोड नहीं हो, क्योंकि ब्लड पूरा बाहर आता है, ठीक है, बाहर आता है, मशीन में जाता है, मशीन में फिर वो शुद्ध होकर वापस उसका डायलिसिस होकर वो वापस बॉडी में जाता है, तो इसमें आपके कोगुलेंट होने की रिस्क रहती है, ठीक है, तो हेपरिन अपन देंगे। और पेरिटोनियल डायलिसिस में आप अंदर ही होता है सब कुछ, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, पेरिटोनियम जो लेयर है वो फटने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, पेरिटोनाइटिस होने के चांस रहते हैं। और हेमोडायलिसिस में ब्लड पूरा बाहर आता है तो हाइपोटेंशन होने के चांस रहते हैं, और एक बात और बता दूँ आपको कि हेपरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट, और कोमोडिन किसको बोलते हैं, वारफरिन को, किसको बोलते हैं, वारफरिन को, इसका एंटीडोट विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, और एस्पिरिन का सोडा बाई कार्बोनेट। आ गया समझ में, बड़े आ गए, बी यहाँ पे करेक्ट है, हेपरिन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं आता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और ACTH। अब देख लो इसको भी अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। पहला तो है यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या बोल सकते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, और इसको क्या बोल सकते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, ये इनके दूसरे नाम हैं। अब देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ पर ट्रिक है मेरे पास में, ट्रिक इस प्रकार से है कुछ, LPG का ATM F है, ठीक है, L का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, P का मतलब प्रोलैक्टिन, G का मतलब ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, A का मतलब ACTH, और T का मतलब TSH। ACTH की फुल फॉर्म क्या है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, TSH की फुल फॉर्म क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है ADH एंटी डायुरेटिक हार्मोन, ठीक है, ये दो हार्मोन ही निकलते हैं। अब आपको यहाँ पे पूछा है MCQ ने कि कौन सा है जो एंटीरियर से नहीं आता है, तो अभी आपने क्या पढ़ा, LPG में ATM फ्री, तो LPG में ATM फ्री, तो LPG ये P, ये G, ये ATM में A, ठीक है, तो ये C भी करेक्ट है, D भी करेक्ट है और A भी करेक्ट है, मतलब ये तीन तो आते हैं। यहाँ पे नोट पूछा है, राइट आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑक्सीटोसिन, ये आता है आपके पोस्टीरियर से, कहाँ से आता है, पोस्टीरियर से, ठीक है, B यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है, ए ग्लैंड दैट डिसअपीयर इन एडल्ट बट इट इज़ एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बच्चे में तो वो ग्लैंड अपीयर होती है, मतलब काम भी करती है, लेकिन ये एडल्ट में जाके क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, ऐसी कौन सी ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉयड, और फिर लिखा है एड्रिनल कॉर्टेक्स और थाइमस, ये आपको बताना है इसका आंसर कल की क्लास में। तो गाइज आज की जो हमारी क्लास थी, आज की जो हमारी जर्नी थी वो यहीं तक थी। आज अपन ने कोशिश की कि इस हाफ आवर के अंदर अपन मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किया भी है अपने, ठीक है,
अब कल बढ़ते हैं अपन इस एमसीक्यू को और आगे बढ़ेंगे जर्नी को और आगे अब बढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।